हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू माय चैनल द एस डायरीज। हमारी आज की रेसिपी है वनीला कपकेक्स। इफ़ यू लाइक माय रेसिपीज प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रेसिपीज। वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा ताकि आप कपकेक्स ठीक तरीके से बना सकें और कोई गलती ना हो। वनीला कपकेक्स बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे 1 3/4 कप ऑफ मैदा, 1 1/2 कप ऑफ आइसिंग शुगर, 1/2 कप सॉफ्टेंड बटर मेल्टेड नहीं, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी बटर को बीट कर लेंगे कोई तकरीबन 1 मिनट के लिए। कपकेक्स में बटर डालने का फ़ायदा ये है, एक तो ये आपके कपकेक्स को बड़ा रिच कर देता है फ्लेवर में, और सेकेंडली ये कपकेक्स को राइज करने में भी हेल्प करता है। चले हमारा बटर अच्छे से बीट हो गया है, अब हम इसमें अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। वीडियो में टेप नहीं हो सका लेकिन आप लोगों ने 2 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस भी ज़रूर डाल लेने हैं बीच में। बेकिंग टिप का टाइम, बहुत सारे लोग हैं जो 1/4 और 3/4 के बीच में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। 1/4 कप का मतलब है 1 कप के 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा, और 3/4 कप का मतलब है 1 कप के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से। कपकेक्स में लिक्विड्स डालेंगे 1/2 कप ऑफ हॉट वाटर, 1/2 कप ऑफ रूम टेम्परेचर मिल्क, 1 अदद रूम टेम्परेचर अंडा। अब हम इन तीनों चीज़ों को मटेरियल में ऐड करके बीट कर लेंगे अच्छे तरीके से। हम गर्म पानी इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को एक्टिव कर दे। ये जो बैटर हम बना रहे हैं इससे तकरीबन आपके 9 कपकेक्स बन जाएंगे। मटेरियल को अच्छे तरीके से बीट करने के बाद हम डालेंगे इसे अपने कपकेक लाइनर्स में। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, मैंने 2 कपकेक लाइनर्स एक पोर्शन में डाले हुए हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जिसमें आप अपना बैटर डाल रहे होते हो वो लाइनर ना ख़राब होता है ना ट्रे के साथ चिपकता है, और आपका कपकेक आराम से बाहर निकल आता है। इस टिप को हमेशा याद रखिएगा। चलें अब हम कपकेक लाइनर्स में बैटर डालते हैं। उसके लिए आप लोग ले लीजिए एक आइसक्रीम स्कूप, और आपने हर कपकेक लाइनर में 2 स्कूप्स डालने हैं। और जिन लोगों के पास आइसक्रीम स्कूप अवेलेबल नहीं है और जो टेबलस्पून यूज़ करना चाह रहे हैं उन्होंने 3 1/2 टेबलस्पून्स डालने हैं। कपकेक्स बनाने के लिए आपने अपने ओवन को पहले 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेना है 200 डिग्री सेल्सियस पे। ओवन को प्रीहीट करने के बाद 25 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर आप अपने कपकेक्स को बेक कर लें। 25 मिनट्स के बाद आप अपना एक स्क्यूअर टेस्ट करें, एक टूथपिक ले लें, उसे कपकेक के अंदर डालें। अगर टूथपिक साफ बाहर आती है इसका मतलब कि आपके कपकेक्स तैयार हैं। अगर टूथपिक गीली बाहर आती है तो 5 मिनट और बेक कर लें। देखें हमारा कपकेक बड़ी खूबसूरती से तैयार है। देखें कितना खूबसूरत हमारा कपकेक बना है, और हमारा लाइनर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, कितनी खूबसूरती से सफ़ेद रंग का प्यारा सा है। चलें अब लाइनर को उतारते हैं और कपकेक को अंदर से देखते हैं कि हमारा कपकेक कैसा बना है। आप देख सकते हैं कि कपकेक कितना परफेक्टली बेक हुआ है। जबरदस्त नीचे से भी। कभी कभी लोग कहते हैं कि व्हिपिंग क्रीम से रोजेस परफेक्टली नहीं बनते, तो आप लोगों को दिखाने के लिए आप लोगों के सामने मैं व्हिपिंग क्रीम यूज करते हुए रोज बना रही हूँ। और देखें कितना परफेक्टली हमारा रोज बना है व्हिपिंग क्रीम यूज करते हुए। मैंने व्हिपिंग क्रीम और बटर क्रीम दोनों से केक के ऊपर रोजेस बनाए हैं, तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा व्हिपिंग क्रीम का रोज़ इस तरह दिखता है और बटर क्रीम से बनाए हुए रोजेस इस तरह दिखते हैं। तो चलें हमारे खूबसूरत वनीला कपकेक्स तैयार हैं। इन्हें आप ख़ुद भी खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए, अपने दोस्तों के लिए भी बनाइए। और जब तक हमारी अगली रेसिपी आती है हमारी तरफ से बाय बाय
और 2020 की बकरा ईद आप लोगों को बहुत मुबारक हो।